Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. My name is Didi and today we are diving into review of two popular products from Mamaearth brand, which is a face wash and a shampoo. So these two products have been in wave in beauty community, so let's get started. So sabse pehle mere paas hai vitamin C ka ye face wash, which says with vitamin C and turmeric. ओके, पैराबीन फ्री, NSLS फ्री, विच मीन्स कि इसके अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है. देन डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, आई रियली डाउट. एंड देन सूट्स ऑल स्किन टाइप, ये मैंने मंगाया था. एंड इफ आई टॉक अबाउट इट्स मेजर इंग्रेडिएंट्स, इसमें जो है इसमें है लेमन ऑयल, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, नीम लीफ एक्सट्रैक्ट. सो दिस फेस वॉश प्रोमिस टू डीपली क्लींस योर स्किन और आपके फेस पे जो इम्प्योरिटीज हैं उसको क्लीन करता है, प्लस इवन स्किन टोन देता है और इसके एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज आपके एक्नेस को फाइट बैक करते हैं, मतलब एक्नेस हटाता है. तो इसका इसमें क्या है वो दिखाती हूँ. सो इट लुक्स लाइक समथिंग दिस. और ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मैंने लिया है, इसमें एकदम एक बूंद लेने का होता है बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा फोम आता है फेस पर. और बहुत ज़्यादा इसलिए भी नहीं क्योंकि इससे आँखों की तरफ, मतलब मुझे डर लगता है कि मैं इसको आँखें के साइड में नहीं लेकर जा सकती हूँ, आइज़ में बहुत ज़्यादा बर्निंग फील होती है. एंड क्योंकि विटामिन सी है तो चलो बर्निंग फील हो सकती है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये फेस क्लीन ही नहीं करता. ऐसा लगता है कि कुछ स्टिकी रह गया है, जैसे ऐसे नहीं लगता सोप रह गया है, क्लीन नहीं हो रहा है. 10, 15, 20 कितनी बार मारोगे, अपने आप ही मन करता है चलो अब तो अपने आप हट ही गया होगा. आई डोंट थिंक इससे ये एक्नेस जाते हैं क्या. मैंने यही सोचकर मंगाया था कि विटामिन सी और टर्मरिक से तो एक्ने या ब्लैक हेड्स जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो मुझे एक्ने नहीं थे, मुझे ब्लैक हेड्स थे नोज़ पर. मुझे लगा था कि इससे अच्छे से क्लीन होगा फेस, बट आई वॉज़ रॉन्ग. मेरे यहाँ फेस पर काफ़ी सारा क्या बोलते हैं एक्ने आ चुका है. दो आई नो कि फेस पर जो भी आता है गंदगी वो पेट की गंदगी से आता है, पेट की इम्प्योरिटी से आता है, लेकिन मुझे इससे पहले नहीं था. मुझे ये यूज़ करने से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था कि फेस पे एक्ने है या नहीं थे. नाउ नेक्स्ट अप वी हैव दिस टी ट्री शैम्पू जो मैंने मंगाया था. एंड इट सेज विथ टी ट्री एंड जिंजर ऑयल, पैराबीन एंड NSLS फ्री, विच मीन्स कि इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, एक्स्ट्रा केमिकल नहीं है. देन इट इज़ डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड फॉर ऑल हेयर टाइप. एंड दिस इज सल्फेट फ्री शैम्पू. सल्फेट फ्री मतलब हुआ कि यह आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा और इससे आपके हेयर ब्रेकेज है वो रिकवर हो जाएंगे. ठीक है, जेंटली क्लेंस, ये आपके बाल को क्लेंस करता है. नरिश हेयर मतलब आपके हेयर को शाइनी और स्ट्रॉन्ग बनाता है. देन रिड्यूस डैंड्रफ एंड इची, आपके हेयर में जो डैंड्रफ है और इचीनेस जो डैंड्रफ की वजह से है वो ख़त्म करता है, जो इसका कहना है. फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स एंड सूटेबल फॉर कलर्ड एंड ट्रीटेड हेयर के लिए भी ये काम करेगा. बट अकॉर्डिंग टू, अच्छा मैं पहले आपको इसका वो फॉर्मेशन बता देती हूँ. ये कुछ, अरे निकल भाई, क्या हुआ, हाँ अब आएगा, खत्म हो गया क्या, नहीं, हाँ ये देखो. बेसिकली इसको कितना ही ले लो इससे कुछ क्लीन तो होता नहीं है. सो जब मैंने ये शैम्पू यूज़ किया मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बट वो मैं बताऊँगी आगे क्यों एक्साइटेड थी. सो मैंने जब ये यूज़ किया तो एक तो इससे फोम नहीं बनता, चलो कुछ होगा कि फोम नहीं बन रहा, पर इससे स्केल भी क्लीन नहीं होती है. वो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप बाल धोकर बाहर निकलोगे और जब बाल सूख जाएंगे तब आप यहाँ टटोलोगे तो पता चलेगा अरे मिट्टी तो यहीं रह गई. मिट्टी और डैंड्रफ जो भी है, जो ये बोलते हैं कि डैंड्रफ निकालते हैं, ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ. सो एक तो ये हेयर क्लीन नहीं करता है, दूसरा जब आप शैम्पू करते हो तो फोम नहीं बनता. फोम तो छोड़ो, बालों में से शैम्पू निकलता भी नहीं है, कितना ही वॉश कर लो ऐसा लगता है अभी भी है शैम्पू. मैंने ये कल ही यूज़ किया है और देखो मेरे बालों की हालत, कौन से स्ट्रेंथ ही और शाइनी लग रहे हैं बाल. ऐसे निकालूंगी 4-5 यूं निकल जाएंगे.
सो क्योंकि जो न्यू मदर्स होती हैं उनके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होते हैं, आई नो, उस चक्कर में मैंने ये लिया था कि चलो इससे हेयर फॉल कम होगा। टी ट्री शैम्पू है, ऑनियन भी मैं ले सकती थी, और इससे बाल इतने टाइट टाइट से नहीं होते, ऐसे खरखरे से, कैसे समझाऊँ मैं, मतलब सॉफ्ट तो नहीं होते। नहीं बताती हूँ मैंने ये मंगाया क्यों था। मतलब 6 साल हो गए ना इस ब्रांड को लॉन्च हुए, मामाअर्थ। ये मैंने मंगाया इसलिए था क्योंकि मैंने रिसेंटली इनका एक पॉडकास्ट सुना था जिसके अंदर वो बोल रहे थे कि मतलब किस कंडीशन में उन्होंने, वो आप लोग देख लेना पॉडकास्ट, किस कंडीशन में उन्होंने ये ब्रांड शुरू किया। मतलब उन्होंने अपने बच्चे के लिए शुरू किया था, उनको लगा था कि इंडिया में वो चीज़ है ही नहीं, वो प्योर चीज़, मैं बोलूँगी वो प्योर चीज़, वो रियल चीज़ है ही नहीं जो उन्होंने बाहर कहीं देखी होगी। तो उन्होंने सोचा मैं यहाँ प्योर चीज़ शुरू कर दूँ। तो ये उनकी स्टोरी थी, पहले मैं उससे इन्फ्लुएंस हुई, फिर मैंने मतलब ये जो प्रोडक्ट को देखो आप, ग्रीन कलर का, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रैक करता है। और उसके बाद जब वो लोग बोलते हैं कि हम लोग प्लांट्स भी लगाते हैं, जंगल में बोर नाचा किसने देखा पता नहीं, बट हाँ आप लोग बोलते हैं तो विश्वास हो जाता है। फिर उसके बाद शिल्पा शेट्टी, फ्लाइंग बीस्ट, ऐसे लोग इसका बहुत ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट करते हैं कि हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, कर रहे हैं। लोशन वोशन का देखो मैंने, मुझे नहीं पता, मैंने यूज़ नहीं किया, पर ये दो चीज़ें जो मैंने यूज़ की हैं ये बिल्कुल थर्ड क्लास हैं। मतलब इससे अच्छा तो मैं कोई दूसरी ब्रांड का नाम क्या लूँ, कोई दूसरी ब्रांड का आप मतलब सस्ती ब्रांड का भी यूज़ करोगे तो वो भी अच्छा होगा। सो दिस वॉज माई रिव्यू एंड माई ओपिनियन अबाउट दीज टू प्रोडक्ट्स ऑफ मामाअर्थ। अगर आपने ये प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं और आपका कुछ और ओपिनियन है या आपका कुछ और एक्सपीरियंस है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वॉचिंग माई ब्लॉग, अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और मैं डेली ब्लॉग्स डालती रहूँगी, रिव्यूज़ डालती रहूँगी। सो थैंक यू, बाय बाय।